हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ आकाश वर्मा। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द डायग्राम ऑफ द हार्ट। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये एक जो सारी की सारा जो थ्योरी है वो सारी की सारी देख ली है एंड और इस सारी थ्योरी को हम इस डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। एंड जो एक्सटर्नल फीचर्स में हम डायग्राम में हम देखते हैं एंड एक्सटर्नल फीचर में हमें बताना क्या होता है डायग्राम में कि जो हम हार्ट को एक्सटर्नली यानी हाथ में लेने के बाद हम हार्ट में आकर क्या क्या दिखाई देता है, तो वो हमें एग्जाम यानी वो हमें बताना पड़ता है। ठीक है, तो हमें तो हम जो डायग्राम को थोड़ा इजी वे में समझेंगे एंड जो भी है सारी सारी थ्योरी को इस डायग्राम के थ्रू क्लियरिफाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा हार्ट होता है ना उसमें फोर चैम्बर होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कौन कौन से। टू वेंट्रिकल होते हैं और टू आर्टरियस होते हैं। तो इसमें टू वेंट्रिकल, तो ये हमारे क्या है, सुपीरियर वेना कैवा। तो ये हमारे सुपीरियर वेना कैवा हुई, तो सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, ये हमारी क्या है, आर्च ऑफ ओर्टा। ये हमारी आर्च ऑफ ओर्टा है, ये हमारी क्या आर्च ऑफ ओर्टा है। और इसकी क्या है यानी ये ब्रेकियोसिफेलिक वेन, और ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारी पल्मोनरी वेन और ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल। ये हमारा राइट और लेफ्ट ओरिकल, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हमारी सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, तो ये हमारे सारे सारे डायग्राम फिनिश होता है। अब इसकी नेमिंग पे आते हैं। तो जो हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट हमारे फोर चैम्बर होते हैं, तो फोर चैम्बर के नाम लिखते हैं पहले। ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट ओरिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ये हमारा लेफ्ट सॉरी ये हमारा राइट एट्रियम एंड ये हमारा लेफ्ट ओरिकल। ये हमारा ओरिकल है, ओरिकल लेफ्ट ओरिकल। मैंने पहले बता चुका हूँ जो ओरिकल एंड आर्ट्रियम होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं। ओरिकल जो होते हैं वो अपेंडिजेस होते हैं आर्ट्रियम के, यानी वो आर्ट्रियम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट ओरिकल हो गया। ठीक है, तो हमारे ये क्या हमारी सुपीरियर वेना कैवा, ये हमारी इन्फीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी ट्रंक। देखिए, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, और इसे हम आर्टरी क्यों कहते हैं, वीन क्यों नहीं कहते, क्योंकि जो हमारी आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर की तरफ लेके जाते हैं, यानी हार्ट को दूर की यानी ब्लड को हमेशा आर्टरीज में हार्ट से दूर जाएगा। तो आर्टरीज क्यों है, तो लंग्स में दूर जा रहा है ब्लड यहाँ से, यानी हार्ट से दूर की साइड जा रहा है, और तो इसे हम क्या कहेंगे, आर्टरीज कहेंगे। और इसमें इम्प्योर ब्लड है, तो इसीलिए इम्प्योर ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को ले जाने वाली आर्टरीज कहेंगे। एंड जब वापस आती है हमारी वीन, पल्मोनरी वीन बन के वापस आती है, तो उसमें हार्ट यानी और वो वीन जो हार्ट यानी जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आएंगे उन्हें वीन कहेंगे। तो जो हमारे पल्मोनरी वीन होते हैं क्या करते हैं, वो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती हैं, और प्योर ब्लड होता है, तो इसीलिए पल्मोनरी वीन को कहते हैं, पल्मोनरी वीन के अंदर प्योर ब्लड होता है, इसके बावजूद भी हम इसे पल्मोनरी वीन कहते हैं। तो याद रखना, वैसे बेसिक पॉइंट है। ठीक है, तो
हमारी जो ब्रैकियो, ये हमारी क्या, ब्रैकियोसिफेलिक वी, और ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, सॉरी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी एंड ये होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे जो राइट, जो हमारे आर्टरी में कितने होते हैं, फोर बॉर्डर होते हैं। तो आर्टरी में क्या होते हैं, हमारे फोर बॉर्डर्स होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा राइट बॉर्डर, एक लेफ्ट बॉर्डर, एक अपर बॉर्डर और एक इन्फीरियर बॉर्डर। तो फोर बॉर्डर्स होते हैं। तो ये हमारे क्या, ये हमारा राइट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर होगा। ये हमारा इन्फीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है, इन्फीरियर बॉर्डर होगा। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक सुपीरियर बॉर्डर, ओ सॉरी अपर बॉर्डर होगा, ठीक है। ये हमारा क्या, अपर बॉर्डर। तो ये हमारा अपर बॉर्डर हो गया, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट बॉर्डर होता है, लेफ्ट बॉर्डर कहाँ कहाँ से एक्सटेंड करता है, इसमें देखिए, ये हमारा लेफ्ट बॉर्डर है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो लेफ्ट बॉर्डर कहाँ से कहाँ थे, इसमें क्या 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 पार्ट आ रहे हैं। और एक बात, जो हमारा ऑरिकल होता है ना, वो एंटीरियर, यानी एंटी, ये हमारा एंटीरियर व्यू है। क्या एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर व्यू है, ठीक है। तो एंटीरियर व्यू से दिखाई देने पे हमें जो ऑरिकल है वो, और एंटीरियर व्यू से यानी जो आर्टरी में, वो लेफ्ट आर्टरी में, वो हमें एंटीरियर व्यू से दिखाई नहीं देता, उसका सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट ऑरिकल पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट बॉर्डर है वो कौन, किस किस से मिलकर बना होता है हमारा? तो लेफ्ट बॉर्डर बना हुआ है हमारा लेफ्ट ऑरिकल से एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये किस किस से बना होता है, लेफ्ट यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, अब देखिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो यानी मेजर पोर्शन बना रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल मेनली, मेनली बना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एंड जो लेफ्ट आर लेफ्ट ऑरिकल पार्शियली, पार्शियली बना होता है किसके द्वारा, लेफ्ट ऑरिकल के द्वारा पार्शियली बना होता है, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल के द्वारा पार्शियली बना होता है। एंड जो राइट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर कहाँ से किसके द्वारा बना हुआ है, राइट बॉर्डर ये हमारा राइट बॉर्डर हो गया। तो राइट बॉर्डर जो हमारा किसके द्वारा बना हुआ है, राइट बॉर्डर सिर्फ बना हुआ है ये सिर्फ राइट आर्ट्रियम में, और देख सकते कोई और पार्ट नहीं हार्ट का लाई कर रहा, तो ये हमारा किसके द्वारा बना हुआ है, सिर्फ राइट आर्ट्रियम के द्वारा। इट इज फॉर्म किसके द्वारा बना होता है हमारा, राइट आर्ट्रियम के द्वारा, राइट आर्ट्रियम के द्वारा बना होता है, ठीक है। एंड जो अपर बॉर्डर होता है, अपर बॉर्डर जो बना होता है हमारा, इसमें हमारा जो होता है ओरिकल, ओरिकल इसमें ओरिकल पार्ट होता है, और जो राइट राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम दोनों से मिलके बना होता है ये, इसके द्वारा राइट आर्ट्रियम प्लस लेफ्ट आर्ट्रियम के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलके बना होता है। बट मेनली किसके द्वारा बना होता है, ये मेनली बना होता है लेफ्ट आर्ट्रियम के द्वारा, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम के द्वारा मेनली बना होता है, ठीक है। और अब आते हैं इन्फीरियर बॉर्डर, सेम एस इन्फीरियर बॉर्डर जो है हमारा, वो भी हमारा इन्फीरियरली होता है। तो इन्फीरियर बॉर्डर जो होता है हमारा, वो बना होता है मेनली राइट वेंट्रिकल के द्वारा प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा, और मेनली किसके द्वारा बना होता है हमारा, राइट वेंट्रिकल के द्वारा मेनली बना होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के द्वारा मेनली बना होता है, मेनली बना होता है किसके द्वारा, राइट वेंट्रिकल के द्वारा बना होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये तो हो गए सारे बॉर्डर्स। एंड एक बार इसे थोड़ा प्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये हमारा राइट, यानी एक ये बॉर्डर,
तो ये हमारा हार्ट है ना, तो ये वाला हमारा क्या अपर बॉर्डर यानी अपर साइड में प्रेजेंट है तो अपर बॉर्डर, और इन्फीरियर साइड में यानी लोअर साइड में प्रेजेंट है तो लोअर बॉर्डर, और ये राइट साइड में प्रेजेंट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो लेफ्ट बॉर्डर, और ये राइट साइड में प्रेजेंट है तो राइट बॉर्डर। तो ये हमारे हार्ट के टोटल 4 बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख लेना। एंड जो अपर बॉर्डर फॉर्म बना होता है किसके द्वारा, राइट आट्रियम एंड लेफ्ट आट्रियम के द्वारा, और लेफ्ट आट लेफ्ट बॉर्डर बना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल के द्वारा, ठीक है। और इसमें मेजर पोर्शन जो बना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा मेजर पोर्शन बना होता है, एंड जो इन्फीरियर बॉर्डर बना होता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा बना होता है, और इसमें जो मेनली पोर्शन बना होता है हमारा राइट वेंट्रिकल के द्वारा बना होता है, एंड जो राइट बॉर्डर होता है वो सिर्फ राइट आट्रियम के द्वारा बना होता है, ठीक है। एंड ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, सुपीरियर वेना कैवा से इन्फीरियर वेना कैवा तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो ये होता है ना। अब आती है इसकी सर्फेसिस की, तो इसमें टोटल 3 सर्फेसिस होती हैं। तो इसे देखिए, तो जो हम हार्ट को जब हम देखते हैं ना, तो हार्ट में ना इस तरह से हार्ट की एक तो होती है एंटीरियर सर्फेस, और एक जस्ट इधर साइड होती है लेफ्ट यानी इधर साइड एंड यानी इधर लेफ्ट एंटीरियर सर्फेस, और इधर लेफ्ट सर्फेस, और इधर से जो पोस्ट जो इन्फीरियर सर्फेस होती है ना वही पोस्टीरियर के रूप में यानी पोस्टीरियर साइड में पूरी की पूरी कंटिन्यूस हो जाती है। तो इसमें टोटल 3 सर्फेसेज होती हैं। तो एक तो एंटीरियर स्टेनोकोस्टल सर्फेस, एक लेफ्ट साइड में होती है हमारी लेफ्ट सर्फेस, और एक इन्फीरियर जो जो हमारी जो बैक साइड की जो बाउंड्री बनाता है हमारी, वो टोटल बाउंड्री हमारी बनाई जाती है हमारी वो ऊपर की साइड को कंटिन्यूस हो जाती है इन्फीरियर सर्फेस, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 बाउंड्रीज होती हैं। ये हमारी एंटीरियर रिप्रेजेंट है तो एंटीरियर सर्फेस है, और जस्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो वो लेफ्ट इसकी जो इधर लेफ्ट साइड में जो सर्फेस है वो लेफ्ट सर्फेस होगी, और जो पोस्टीरियरली जो प्रेजेंट है वो सारी, और पोस्टीरियरली जो इन्फीरियर सर्फेस होते हैं पोस्टीरियरली रन करती है, एंड जो ये बनाती है हमारी पोस्ट यानी इन्फीरियर सर्फेस बना देती है, ठीक है। तो आप याद रखना इसको भी। तो ये होता है ना। अब क्या होता है जो हमारा, ये तो डायग्राम हो गया इसका, है ना। एंड जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट में जो अब इसका ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन में तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे लिख देते हैं, तो सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का, तो सबसे पहले जो ब्लड आता है हमारे पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है हमारा राइट आर्ट्रियम में। तो इम्प्योर ब्लड कहाँ पे पहुँचा हमारा, इम्प्योर ब्लड कहाँ पे पहुँचा हमारा राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में पहुँचा। राइट आर्ट्रियम में जाने के बाद ये पहुँचता है फिर हमारा राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल से पहुँचने के बाद ये जाता है प्यूलमोनरी वीन के थ्रू, किस में हमारा ये जाता है हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में, ठीक है। अब यहाँ पे होता है इम्प्योर ब्लड, ठीक है। इम्प्योर ब्लड जो होता है, अब यहाँ तक जो होता है इम्प्योर ब्लड होता है, अभी लंग्स में प्योरिफिकेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के एक्सचेंज करने के बाद इम्प्योर ब्लड बन के आता है। ये किस में आता है हमारा राइट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आट्रियम में, एंड लेफ्ट आर्टरी में पहुंचने के बाद किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वीन के थ्रू आता है, सॉरी आर्टरी के थ्रू आता है, ठीक है। एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो लेफ्ट आर्टिकल से जाता है फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये पूरी बॉडी में बॉडी में जब सर्कुलेट होता है, ठीक है, बॉडी में सर्कुलेट होता है। एंड यहाँ से लंग्स में कौन लेके जाता है हमारा, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन, ठीक है। एंड जो हमारे जो सॉरी ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। एंड जो लंग से लेफ्ट आर्टरी में कौन लेके आता है हमारा, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन लेके आती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना। तो हमारा जो एंटीरियर व्यू है हार्ट का वो फिनिश होता है। एंड जो अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो इसमें, तो आप मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हो, एंड कुछ भी डाउट हो आपको तो कैसा भी यानी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए हो, नोट्स के लिए नहीं हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका जो पोस्टर व्यू देखेंगे, पोस्टर व्यू में हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं वो देखेंगे, ठीक
एंड जो हमारा उसके बाद जो हमारा हार्ट का जो एक्सटर्नल फीचर्स है वो सारा का सारा पार्ट ख़त्म हो जाएगा। एंड ने तो उसके बाद हम जो राइट आर्ट्रियम है उसको याद उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।